हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनप। दोस्तों, क्रिस्टोफर भाई का जो फिल्म है टेनेट, जो दो दिन पहले रिलीज हुआ, उसका डे वन का कलेक्शन आया 1.1 करोड़ टू 1.2 करोड़ के बीच में। ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आया अप्रॉक्सीमेट अमाउंट। नाउ आई वुड से दिस इज डिसेंटली गुड ओपनिंग फॉर अ हॉलीवुड फिल्म, क्योंकि एक हॉलीवुड फिल्म को ऐसे टाइम में इंडिया में आके ओपन होना, पब्लिक को अट्रैक्ट करना एंड 1.1 करोड़ टू 1.2 करोड़ के बीच में बॉक्स ऑफिस बिजनेस करना अच्छा बिजनेस है मेरे हिसाब से। अब देखते हैं कल का बिजनेस क्या है, उसका फिगर्स आना बाकी है। जैसे आएगा मैं आप लोगों को अपडेट जरूर करूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, जो डे वन का फिगर्स मिला है टेनेट को, बॉक्स ऑफिस नंबर्स जो बनाया है टेनेट ने, क्या वो गुड नंबर है, एक्सपेक्टेड नंबर है या फिर अनएक्सपेक्टेड नंबर है? आपका क्या टेक है इस मामले में, लिखकर बताना। वैसे एक बात बता दूं, जहां तक थिएटर्स का सवाल आता है, मैंने तो नॉर्मल पीवीआर थिएटर में देखा था, वहां पर ऑलमोस्ट 10 लोग ही मौजूद थे मेरे साथ थिएटर में। बट जहां तक आईमैक्स स्क्रीन्स की बात आती है, आई थिंक नॉलन के फिल्म्स को लोग आईमैक्स के स्क्रीन्स में देखना पसंद करता है, क्योंकि विजुअल्स ही ऐसा है, बीजीएम वगैरह वगैरह, इट लुक्स वेरी ग्रैंड एंड मैग्निफिसेंट ऑन एन आईमैक्स स्क्रीन। सो आईमैक्स स्क्रीन्स का मैं बुकिंग्स देख रहा था ऑन डे वन एंड इट वाज मच मोर हायर एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्क्रीन्स, हेंस द टोटल फिगर दैट केम आउट वॉज 1.1 to 1.2 crores। नाउ लेट्स सी सैटरडे का फिगर कैसा आया है और संडे आज के दिन कितने लोग जाएंगे टेनेट देखने के लिए। बट दोस्तों, लेट मी नो, डू यू थिंक दिस इज अ गुड इनफ एक्सपेक्टेड डिसेंट ओपनिंग फॉर टेनेट इन इंडिया और नॉट? आपका राय, आपका ओपिनियन यू शुड लेट मी नो इन माई कॉमेंट बॉक्स। फॉर द मोमेंट, टाटा।